हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट योर क्लास। क्या मेरे को लग नहीं रहा साफ नहीं आ रही इसके बारे में। कुणाल बेटा, वॉइस आ रही है आपको? स्क्रीन क्लियर है? देन स्टार्ट। आप चैट को बता दीजिए बेटा, मैसेज कर दीजिए। ऑल थिंग्स आर ओके, देन आई स्टार्ट। और स्टूडेंट रविंद्र वगैरह नहीं आएगा? यस ओके बेटा। नाउ देखो, प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी अबाउट टिश्यूज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट टिश्यू एंड व्हाट डू मीन अबाउट टिश्यू। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शंस, दैट ग्रुप नोन एज टिश्यू। एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। आइदर वी कैन से the tissues are present in multicellular animals, then according to their body weight या body organization level, body organization level like a previous study upon study here, that is protoplasmic cell weight, then tissue weight, then organ weight, and then organ system weight. So in multicellular animals different types of tissues present. So different types of the tissues are present in multicellular animals, and the many tissues fuse and they form organs, and organs fuse and they form system. For transparency of their functioning, इनकी functioning के अंदर transparency कह सकते हो या ज्यादा बेहतर तरीके से functioning करने के लिए आपका टिश्यू फॉर्म होता है, देन टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से सिस्टम होता है। सो देयर आर डिफरेंट ब्लड प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स लाइक इन प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्मिक ब्लड, इन ओरिफेरा सेलुलर ब्लड, इन फ्लेंट्रेटा टिश्यू ब्लड, एंड आफ्टर दैट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ब्लड प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, जो हमने प्रीवियसली स्टडी कर लिया है। नाउ वी स्टार्ट animals in your course. See animals ki study kar liye apne paas ke course mein. These are worm, cockroach and frog. Bas uske baad ke zero hi bachegi aur ye teen animals hum log padhne hain. To first of all are frog. That also known as Herentia. In India, Herentia and Lumbricus genus of earthworm present. Genus present in India. India में Lumbricus और आपके पास Herentia का genus present होता है। And earthworm also known as the friends of Parma. Friends of Parma. ये farmer का क्या होता है? Friend होता है. Why? Because it eats soil and it forms worm castings. And in these worm castings, they're enormous. Amount of humus, humic acid, in this worm casting humic acid present, and the humic acid increase the yield of crop. So that is the farmer friend of farmer. ये farmer का friend होता है. And the systematic position, systematic making position of earthworm. Earthworm की systematic position क्या है? ये तो आपको आना चाहिए, अगर आप सामने नहीं हो ना आपसे पूछते हैं, आपको अब तक पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। So there phylum, क्या बेटा क्या लिखा?
आई एम ए न्यू स्टूडेंट। ओके बेटा, आपको कुणाल क्लासेस मिल जाएगी, आप यहाँ से लिंक ले लीजिए, जो किरण की जो वेबसाइट है उसी पे आपको सारी क्लासेस अपलोड कर रखी है, वो ले लेना। हम कह देंगे आप अपना मैसेज नंबर मैसेज कर दीजिएगा, उस पे आपको भेज देंगे। ओके, नाउ सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ अर्थ। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? द सिस्टमैटिक पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम, द फाइलम ऑफ अर्थवर्म इज एनेलिडा। क्लास इज ओलिगोकीटा, ऑर्डर ओपिस्टोफोरा, जीनस इज हेरेटिमा, स्पीसीज इज ओस्ट्रोमा। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम द नेम ऑफ अर्थवर्म इज, समझ गए होंगे बेटा, इस जीनस एंड स्पीसीज नेम हेरेटिमा ओस्ट्रोमा। दिस इज हेरेटिमा ओस्ट्रोमा। ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन अगर आप लोगों को ढूंढना हो पूरे एनिमेलिया किंगडम के अंदर के अर्थवर्म कहां है, तो ये अर्थवर्म का एड्रेस है। इस एड्रेस के थ्रू आप पता कर लेंगे कि अर्थवर्म कहां है। एक चीज आ गई, देन द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थवर्म, दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब जनरली क्या है कि ये अर्थ पे ही पाया जाता है, वाटर आइदर एयर में प्रेजेंट नहीं होता, बट इन रेनी सीजन, बट इन रेनी सीजन इट बिकम एक्वेटिक। जब बारिश का सीजन होता है, जो चला जुलाई या सितंबर वाला टाइम है, इसमें सब तरफ पानी भर जाता है, तो हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इट्स नेचर में भी चेंज, इसकी नेचर में चेंज हो जाती है। जब लाइक यूरोटेलिक एनिमल, देन इन रेनी सीजन इट बिकम अ मोनोटेलिक एनिमल, बिकॉज टेरेस्ट्रियल टू इट कन्वर्ट इन एक्वेटिक फॉर्म। अर्थवर्म इज ए ग्रोइंग एनिमल, ग्रोइंग एनिमल मीन्स आप कह सकते हो कि ये आपके पास अर्थ के अंदर बिल बना करके बिल में लिव करता है। अर्थवर्म ईट सॉइल, अर्थवर्म ईट सॉइल एंड इट इजेक्ट वॉर्म कास्टिंग, वॉर्म कास्टिंग निकालता है। रेड ब्राउन कलर, ब्राउन कलर एनिमल, अर्थवर्म इज ए रेड ब्राउन कलर एनिमल होता है। एंड थ्रू सेगमेंटेशन, थ्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन अर्थवर्म। ये तो कुछ इसके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हमें अर्थवर्म को देखना है, टू सेगमेंटेशन,
एंड इन आर्को मेटामेरिक सेगमेंटेशन से है सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन आर्को याद है आपको हमने पहले बता दिया था व्हाट डू मीन अबाउट मेटामेरिक सेगमेंटेशन व्हाट डू मीन अबाउट टिश्यू सेगमेंटेशन सुगर सेगमेंटेशन एस सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन मींस ऑल सेगमेंट्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज सेम एंड साइज में सारे सेगमेंट्स इक्वल होते हैं सो दैट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा को अदर स्टूडेंट्स नहीं है क्या आज ओनली कुणाल बेटा कुणाल समझ में आया यहां तक आप यस कहोगे जब आगे चलेंगे बेटा आपको पुराना जो भी है मैटर मिल जाएगा डोंट वरी बट आप ये बताइए यहां तक का अर्थों के बारे में बताया समझ में आया आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट डायग्राम यस आइदर नो लिखिएगा बेटा मैसेज नहीं आया यहां तक समझ में आ गया आपको यस आइदर नो कुणाल वॉइस नहीं आ रही क्या नाउ दैट डायग्राम ऑफ अर्थ देखो बेटा ये आपका अर्थफॉर्म बन रहा है अभी बना सकते हैं डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में This is the अर्थ I think आपको अच्छा लग रहा होगा है ना तो ये अर्थ फॉर्म है लाइक दिस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ फॉर्म द सेगमेंटेड बॉडी इन अर्थ फॉर्म
in earthworm body. Body 100 to 120 segments gene. 100 to 120 segments are present in earthworm's body. First point. Second point. The first segment known as peristomia. First segment. This is the first segment of earthworm. Known as this is the first 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Left. So first segment of body known as peristomia. Above peristomium, a outgrowth present. Above peristomium, outgrowth present, known as postomium. जो आपके पास फर्स्ट सेगमेंट है उसके बाहर आपके पास एक अवरोध प्रोजेक्ट होता है, वो आप उसे क्लियर करें. सो दिस इज प्रोस्टोमिया एंड अवरोध फ्रॉम अबो. इसके आगे क्यों दैट नोन एज पोस्टोमियम. इट हेल्प इन मोटिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन. ये एक तो जो सोइल के अंदर ये क्या करता है, मोटिलिटी करता है, उसमें हेल्प करता है एंड आपके फॉर्मेशन ऑफ ग्रो बिल बनाने में हेल्प करता है. आई थिंक ये अंडरस्टैंड हो गया आपको. द लास्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दैट नोन एज पाइजीटियम. एंड पाइजीटियम इज ए नॉन मेटाबॉलिक सेगमेंट. देयर आर ओनली सिंगल नॉन मेटाबॉलिक सेगमेंट. द लास्ट सेगमेंट इज पाइजीडियम. पाइजीडियम लाइक ए ट्रायंगुलर सेगमेंट बट अदर सेगमेंट्स आर द रेक्टेंगल सेगमेंट एंड सो दिस सेगमेंट इज नॉट ए मेटाबॉलिक सेगमेंट. इट इज ए नॉन मेटाबॉलिक सेगमेंट एंड इट नोन एज पाइजीडियम. एट द एपिकल एंड ऑफ पाइजीडियम अपर्चर प्रेजेंट दैट नोन एज एनस. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया. एट द एपिकल पार्ट ऑफ प्रोस्टोमियम एन अदर अपर्चर प्रेजेंट दैट नोन एज माउथ. In mid-coxal region, a dark vessel present that known as dorsal blood vessel. You can see like this. This is the dorsal blood vessel. Dorsal blood vessel. At dorsal surface.
क्यों लिखवा रहे हो? डोर्सल वेल में सर द वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट एंड इन डोर्सल सरफेस ए डार्क कलर डोर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट एंड एट द जॉइनिंग ऑफ थाई six segments, six segments, seven, eight segments, and a line segment. Four pairs of apertures present. These apertures known as spermatical aperture. These are spermatical aperture. आपको स्पर्मेटिका प्रेजेंट इन 6, 7, 8, 9 सेगमेंट बट एट द जॉइनिंग ऑफ 5/6, 6/7, 7/8, and 8/9 सेगमेंट स्पर्मेटिकल अपर्चर प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ अर्थवर्म. So there are four pair of the spermatheca apertures present and four pair of spermatheca present in earthworm. I think ये आपको समझ में आ गया अच्छे से. अब आप reply तो कर लीजिए बेटा कुनाल, कुछ तो reply करो जिससे सबको पता चले कि आप का tension है. Then 14, 15, and 16 segment outside that 14, 15, and 16 segment. A brown color is still present. In this segment, outside the 14, 15, and 16 segment, a brown color is still present. That is still known as blind field. इन सेगमेंट देखिए बेटा अर्थवर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके आते हैं दैट क्वेश्चन ड्यू टू दैट सेगमेंट क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस जो अटेंड होंगे आपके अर्थवर्म में सेगमेंट्स का आपको लग गया होगा मैं टोटल बात सेगमेंट्स की कर रहा हूं. सेगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन अर्थवर्म. सो आउटसाइड द 14 15 एंड 16 सेगमेंट a brown color is still present that known as cloister and so that part known as cloister part cloister part before 14 segment this part is known as pre cloister This is the pre-cloister part, and after 16 segment, this part known as post-cloister part. Then this is the post-cloister part. Cloister se pehle wala part pre-cloister, after wala part post-cloister, and cloister wala part cloister part. So that cloister is a very important part at the time of reproduction. Cloister to form cocoon. The cloister to form cocoon around fertilized egg. Fertilized egg के चारों ओर ये आपके पास cocoon formation में help करता है. So this is also help in breeding. ये this part होगा. First segment is peristomy,
at the apical part of peritoneum, a outflow project at the ventral side of the peritoneum, a aperture like structure project that known as the mouth. The last segment known as pygidium. Pygidium is a triangular shaped segment, but other segments are the rectangular shaped segment. So pygidium is a non-metabolic segment. At the apical end of either at the tip of the pygidium, an aperture present that known as MC. यहाँ तक आपको अच्छे से बैठ गया तो बेटा डायग्राम ज्यादा क्रिटिकल होता जाएगा. अगर हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, पूछ लीजिए बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी भाषा में जो आप चाहो. ठीक है. In center of 14th segment, a aperture present at the ventral surface, not dorsal. At ventral surface in 14th segment, near by center position, a aperture present that known as female gonopod. सेगमेंट पे आपके पास होता है फीमेल गोनोपोस प्रेजेंट होता है. एंड इन 18 सेगमेंट एट वेंट्रल सरफेस वन पेयर, देखिए फीमेल गोनोपोस इज अ सिंगल अपर्चर बट मेल जेनिटल अपर्चर इज अ वन पेयर. मेल जेनिटल at the ventral surface of 18th segment. And in 17th and 19th, one pair SS3 papilla project. SS3 papilla project. Except first, last, and parietal part, except first, these are CT. The CT made up by chitin. ठीक है बेटा कर दूंगा, बिल्कुल राइट कर दूंगा. थोड़ा सा इसको पढ़ा दूं फिर मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा. बिल्कुल अच्छा बेटा कुणाल ऐसे बताते लोग. मैं मानता हूं कि यदि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा नहीं बैठेगा. सिटी अंदर एसएफ सेक्टर स्ट्रक्चर मेड अप बाय काइटिन एसएफ स्ट्रक्चर helping motility. ये इसकी motility में help करती है और chitin से बनी होती है. and S-shaped structure होती है जो every segment में present होती है. that the numerous CT present in earthworm. numerous होती है कई number के अंदर आपके पास this CT का project. and in each segment small aperture like structures present.
and the aperture-like structure known as opening lobe, nephridia. सारे नाम नए नए होंगे आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लोली स्लोली बता रहा हूँ. इन इस सेगमेंट स्मॉल अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे. दीज आर द ओपनिंग ऑफ नेफ्रिडिया. द नेफ्रिडिया आर द एक्सट्रीमली पार्ट आइदर ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म. सो द नेफ्रिडिया अर्थवर्म एक्सट्रीट देयर एक्सट्रीमली सब्सटेंस. इनके थ्रू ये एक्सट्रीमली सब्सटेंस करता है. Like this, अर्थवर्म. बेटा सुना, एक बार दो पांच मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ताकि मैं पूरा ही एक बार रिपीट कर दूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा. इसके लिए अच्छा है कि एक बार आप उसको अच्छे से देख लो बेटा, क्योंकि स्क्रीन पे सब कुछ सही आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा है. यू कैन सी, देन आई एक्सप्लेन यू प्लीज. अदर स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं तो वो भी देख लो एक बार उसको. दो मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद में आपको सारा रिपीट कर रिवाइज करता हूँ. See, ओके बेटा, डन. अब आ जाओ. कितने टाइम पर लगाते हो? बस अभी दो मिनट, एक बार पांच मिनट कर सकते हो, पांच मिनट बाद आ जाओ. तो दो बजे फिर तो पांच मिनट आ जाइए. बच्चों ने मांगा है कि एक बार अगेन नेक्स्ट मिनट, पांच मिनट लगेंगे. नाउ बेटा, एनिमल एनिमल में फर्स्ट एनिमल इज अर्थवर्म. अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का दोस्त है. Why? Because it releases worm castings and the enormous amount of humic acid. Due to humic acid, they improve the yield of crop. So, ये crop की yield को बढ़ाता है. इसलिए अच्छा फंडो तो वही किसान का दोस्त हुई होगा, किसान के काम में मदद करता है. दूसरी चीज क्या करता है? This is a growing animal. ये क्या होगा? Grow के अंदर रहता है, bill में रहता है. Due to grow, आपके पास अर्थ में एडिशन हो जाता है. सो दिस इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, पेरेटिमा एंड लुम्ब्रिका. दो जीनस है जो इंडिया में प्रेजेंट है. अदर बहुत सारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है. सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम एनेलिडा, क्लास ओलिगोप्टेरा, ऑर्डर ओपिस्टोपोडा, जीनस पेरेटिमा, स्पीशीज पोस्टुमा. नेम है पेरेटिमा पोस्टुमा. टेरेस्ट्रियल एनिमल है, अर्थ पर रहता है, बट रेनी सीजन में एक्वेटिक हो जाता है, बिल में रहता है, ग्रोइंग एनिमल है. मैडम बाय 100 to 120 सेगमेंट, हर सेगमेंट देखिए, ये अर्थवर्म का बॉडी दैट इज अ सिलिंड्रिकल बॉडी एंड बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट इन अर्थवर्म. इन सिलिंड्रिकल बॉडी फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमिया. देखिए, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट दैट नोन एज द पेरिस्टोमिया.
from the peritoneum a outgrowth object that known as peritoneum. At the ventral surface of peritoneum and the anterior surface of peritoneum, anterior peritoneum, ventral peritoneum, a aperture present that known as the mouth. And the last segment known as the pygidium. Pygidium is a triangular shaped segment. At the apical part of the pygidium, a aperture-like structure present known as anus. At medial dorsal surface, a dark vessel present. This known as the dorsal blood vessel. And in 5/6/6/7/7/8/9 segment, four pair of apertures present. These apertures known as sphermetrical apertures. And from these sphermetrical apertures, sphermetrica attach in 6/7/8/9 segment. So four pair of sphermetrica present in her form. Externally, in 14, 15, and 16 segment, a brown colored, either dark red colored strip present. That strip known as the glytellum. This strip known as glytellum, and in 14, 15, and 16 segment, and this part are known as glytellum part. At the time of breeding season, the glytellum to form cocoon. Before glytellum, remaining part known as the pre-glytellar part, and after glytellum, remaining part known as the post-glytellar part. In 18 segment, one pair of apertures present, these known as the male genital apertures. And in 17 and 19, one pair outgrowth, either papilla-like structures present. These structures known as the SSC papilla, they help in their breeding, either reproduction of earthworm. In center of 14th segment, a aperture-like structure present that known as female gonopus. Except first, last, and glytellar part, in each segment, except cutaneous structures present, these known as CT. These are the SF structure. The CT help in motility. Yeah, locomotion of earthworm. In most of segments, some small aperture-like structures present. These are the opening of nephridia. Through the opening of nephridia, the earthworm eject their excretory substance outside their body. बेटा आज के लिए इतना काफी है. आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से समझ लेना, और बेटर रहेगा एक कॉपी बना करके अलग से आप खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करो. In exam, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. So that's all. Next tomorrow, आप इसको कीजिए बेटा. Hello, Isu. Amici. हां न्यूज़ में